इतना हेट रेट क्यों मिल रहा है तुमको फॉर टीम एक्स का, ये तो आप उनके ओनर और उनके प्लेयर से पूछ सकते हैं। तारीफ करने से टारगेटिंग कैसे होता है मुझे समझ नहीं आता। स्टे न्यूट्रल, स्टे न्यूट्रल ऑन व्हाट, किस चीज पे न्यूट्रल रहना है मेरे को? सच में ये चीज हजम नहीं हो रही है मेरे से कि एक प्लेयर के तारीफ करने पर मुझे हेट मिल रहा है, वो भी हर एक सिंगल स्ट्रीम पे। पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। कौन सी पावर? हर एक दिन 2 घंटे 2 टाइम हमें यही बताया जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो कास्टिंग में क्या सही है क्या नहीं सही है वो आप क्राफ्टन पे छोड़ दें, हम सारे कास्टर्स पे छोड़ दें। मैंने तो फिर भी कैरी वर्ड का यूज भी नहीं किया, बाकी सारे कास्टर्स तो भाई कैरी वर्ड का यूज भी कर रहे, आपको खाली मेज ही दिखता है हर बार। हर बार का भाई यही हो चुका है कि जब भी इवेंट होता है जो भी होगा आरआर चालू हो जाता है। अरे आपको इतनी दिक्कत है किसी चीज से, आप एक टेक्स्ट कर सकते हो ना, आप आए आपने स्ट्रीम पे बोला, उस स्ट्रीम के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोग आके बजे, आपको आइडिया है उस चीज का? आपको अपनी चीजें दिखती है पर जिसके लिए आप बोल रहे हो उसका नहीं सोचना है आपको। और ये क्या चीज होती है कि अगर आप इन सारी चीजों पे बात करोगे वीडियोस बनाओगे तो व्यूज आ जाएंगे? कौन से व्यूज ब्रदर? मेजी नामक चैनल हम सर्च करेंगे, आई एम नॉट अ रेगुलर स्ट्रीमर, आई डोंट इवन पोस्ट वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस। और अगर यकीन मानो अगर मुझे व्यूज लेने होंगे मैं गॉडलाइक के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, जोनाथन के ऊपर बनाऊंगा, या फिर बोलूंगा कि जली कैसे अपनी टीम को लीड कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आओ ये भी दिखा देता हूं, देखो रिवीलिंग गॉडलाइक अमर 164K व्यूज, गॉडलाइक एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टेड प्लेइंग फॉर, मतलब उसको वो चीज खुद ही पता है। और अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो बताओ अगले 5 दिन पे मैं 2 वीडियो डालूंगा और दोनों पे जो 1 लाख व्यूज है वो क्रॉस हो जाएंगे। मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता, मतलब इतने साल इस पूरे कम्युनिटी में रह के अब तक का सबसे यूजलेस एक्सक्यूज या फिर जो भी तुम कह लो वो मैंने सुना है कि हमारे प्लेयर की तारीफ मत करो नहीं तो बाकी प्लेयर डिमोटिवेट हो जाएंगे और झगड़ा हो जाएगा हमारे प्लेयर। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज का डर है। डर इस चीज का है कि वो प्लेयर सच में अच्छा खेल रहा है और सारे लोग उसका नाम ले रहे हैं, इस चीज का डर है। सारा नाम फेम निंजा लेकर जा रहा है कि आपको इस चीज का डर है। वहां पर एक मेरी गलती थी कि मैंने बोला कि भाई निंजा एक तरफा खेल रहा है, अगले दिन ही मैंने वीडियो बना के क्लियर कर दी कि वो एक तरफा नहीं खेल रहा है। और उसके बाद अगले दिन ही आप लाइव स्ट्रीम पर आते हो फिर से वही सारी चीजें चालू हो गई कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। 18 किल मार दिया किसी ने, एक मैच में 18 किल मार दिया किसी ने, गाइस 18 किल मार दिया, क्या पता कोई मारा है, टूट गया आरजी वाइपर ने, आरजी वाइपर भाई 18 किल एक मैच में 18 किल मार, हां सोलो 37 टोटल किल्स होए, 37 टोटल किल जाडो इसका, तुम लोग का भी टूट गया 37 किल एक मैच में। भाई एवरीवन चेक द डिवाइस ऑफ द अंडरडॉग्स, वैसे ही वाइपर का भी होना चाहिए ना भाई, मैं लेजिट है।